नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में सघन पल्स पोलियो अभियान का आगाज किया है। इस अभियान के तहत आज से प्रदेश में 3 करोड़ से भी अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इस बड़े अभियान के लिए प्रदेश में 1,10,000 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 69,000 टीम इस अभियान को मिशन के तहत आगे बढ़ाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के अवंतीबाई लोधी अस्पताल में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इसका शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने डफरेन अस्पताल में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई है। इसके बाद प्रदेश के सभी जनपदों में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेश में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे सभी बच्चों को सुरक्षा की डोज से कवर किया जाएगा। ऐसे में करीब 3,40,00,000 बच्चे राज्य भर में हैं। इन बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,10,000 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। वहीं अगले हेल्थ टीम घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाएगी और डोर टू डोर अभियान के लिए 69,000 टीम का गठन किया गया। वहीं 3,30,000 वैक्सीनेटर, 23,000 सुपरवाइजर्स, 6,500 ट्रांजिट टीम व 1,700 मोबाइल टीमों का गठन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य कानून मंत्री बृजेश पाठक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर डीएस नेगी, सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर एके सिंह समेत आदि मौजूद रहे। अपने प्रदेश में 3.4 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। आज पूरे प्रदेश में बूथ लगे बूथों पर सभी बच्चों को दवाई पिलाई जाती है। दवा पिलाई जाती है, बूथ बनाते हैं। और आज